जयपुर के दूदू क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं और अनेक योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी जिक्र किया, साथ ही कहा कि किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। आज़ादी के 75 वर्षों में कांग्रेस पार्टी को 55 वर्ष शासन करने का अवसर मिला, लेकिन देश को सौभाग्य मिला खास तौर पर किसानों के कल्याण का। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर फसलों की बीमा योजना की जो शुरुआत की और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए गांव का जीवन बदला, उसको आगे चलाने का काम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए, सॉयल हेल्थ कार्ड के जरिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा के जरिए देश के किसानों को ताकत देने का काम किया। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए जयपुर जिले के सभी किसान आज जुटे हैं। साथ ही इस बात का भी संकल्प दोहराया है कि किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ, इस कुशासन के खिलाफ राजस्थान का किसान एकजुट होकर कांग्रेस के कुशासन का अंत करेगा। देखिए, आप देख रहे हैं कितना विशाल समागम है। राजस्थान के लोग अब बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। 2003 का आगाज होगा और राजस्थान से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, राजस्थान के किसानों को जिस प्रकार गुमराह किया गया था कर्जा माफी के नाम पर, और 4 दर्जन से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, अब सरकार की कलाई खुल चुकी है, किसान जाग चुका है और सरकार को सबक सिखाएगा। अब किसानों के लिए केंद्र की सरकार ने किसान को केंद्रित रखते हुए कल्याण के लिए सबसे पहले तो मंत्रालय का नाम ही बदल के कृषि किसान कल्याण मंत्रालय रखा, और उसके साथ में किसान को आसानी से उपलब्ध हो नीम कोटेड यूरिया की योजना चलाई, जिससे यूरिया और डीएपी की किल्लत खत्म हो गई। उन्होंने 6,000 रुपए प्रत्येक किसान के खाते में हर वर्ष डालने की योजना बनाई।